So guys, welcome back. Here we are learning the basics of Blender, and in this video we are going to cover up editing multiple object at the same time. तो आइए देख लेते हैं. तो इसके लिए हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना लेते हैं. इसके लिए हमें शिफ्ट के साथ डी दबाना होगा और सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ डी दबाएंगे. और ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट इधर हो गया है, अगेन शिफ्ट के साथ डी दबाएंगे. और एक ऑब्जेक्ट यहाँ हो गया है, अगेन इसको सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ डी दबाएंगे. और अगेन शिफ्ट के साथ डी दबाएंगे. और ये देखिए हमारे पास अब कई ऑब्जेक्ट हो गए हैं. और अब आप जो है इनमें सभी में एक साथ चेंजेस करना चाहते हैं तो सिंपली आपको पूरा का पूरा जो है सिलेक्ट कर लेना है, या फिर आप कीबोर्ड से ए क्लिक करेंगे और आप पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट एक साथ सिलेक्ट कर पाएंगे. इसके बाद जो है अब आप एडिट मोड में आ जाएंगे टैब दबाकर, और आप देखेंगे पूरा का पूरा जो है एडिट मोड में आ गया है. अब इन सभी ऑब्जेक्ट में एक साथ चेंजेस कर सकते हैं. तो सपोज़ हम जो है सब डिवीज़न करके देखते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके सब डिवाइड पे आना होगा, और यहाँ से आप नंबर ऑफ कट्स चेंज करेंगे. तो ये देखिए सभी के सभी ऑब्जेक्ट में एक साथ चेंजेस हो रहे हैं. तो इस तरह से जो है आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट को एक साथ जो है चेंजेस कर सकते हैं और अपने ड्राइंग को आसान बना सकते हैं, जल्दी जो है कोई भी काम कर पाएंगे. और मान लीजिए कि हम सेलेक्ट करके देखते हैं तो सी दबाएंगे, और इस तरह से जो है हम सेलेक्ट कर सकते हैं. और सेलेक्ट करने के बाद जो है हम यहाँ मूव पर आएंगे, यहाँ से बाहर आने के लिए स्कीप दबाएंगे और मूव पर जाएंगे. इसके बाद हम जी दबाएंगे और आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट एक साथ एडिट हो रहा है. तो हम स्केप दबाकर छोड़ देते हैं, और आप चाहें तो कंट्रोल प्लस जेड कर लेते हैं हम, ताकि और अच्छे से देख पाएँ. अगेन हम एडिट मोड में जाएंगे, और आप चाहें तो यहाँ से मल्टीपल वर्टेक्स को सेलेक्ट करके और उनको एक साथ एडिट कर सकते हैं. इसके लिए आपको शिफ्ट के साथ मल्टीपल वर्टिसेस को सिलेक्ट करना होगा. अब ये देखिए हमारे ये चारों को वर्टिसेस सिलेक्ट हो गई हैं. अब हम यहाँ से जो है जी दबाएंगे, और आप देख सकते हैं ये चारों के चारों एक साथ जो है मूव हो रहे हैं. तो इस तरह से जो है आप कुछ ये करना हो तो आप एक साथ जो है अपने ड्राइंग में कर सकते हैं. तो ये था आज का वीडियो, जो हमारा मल्टीपल ऑब्जेक्ट को एक साथ एडिट करने के बारे में था. और आज के लिए धन्यवाद दोस्तों. वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम जो भी वीडियो डालें तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए. धन्यवाद.